जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, अभी हमारी वाणी चर्चा का समय हो रहा है। आप समस्त सुंदर साथ वाणी चर्चा सुनने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। आइए लाडले सुंदर साहब जी, जयपुर से हमारे श्री चिमन लाल जी तनेजा, आशा जी तनेजा और जयपुर से हमारी संतोष जी परिणामी, हमारे श्री गंगानगर से श्री किरण जी सेठी, सुनीता जी सेठी, जयपुर से निस्बत परिणामी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारी रजनी जी, मिट्ठू सुखीजा जी, सुनील जी प्रणामी, अंशु जी प्रणामी, नितिन सेठी जी, सुषमा सेठी जी। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हमारी दर्शना जी, सेतिया जी, इधर जूम पे भी समस्त सुंदर साथ, आप समस्त सुंदर साथ सुन रहे हो ना, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे, मन चितव्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम अपने श्रोता को श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर लेके चलते हैं और धामधनी तखत पर साक्षात विराजमान है, उन्हीं के श्री चरणों में सष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और वहीं पे अपना आसन ग्रहण करेंगे। ये वाणी चर्चा का सुख का अनुभव हम श्री बंगला जी दरबार में करेंगे कि धाम के धनी किस प्रकार 5000 सुंदर साथ को इस इश्क इलम से सींचते थे। वो वक्त कैसा होगा, वो समय कैसा होगा, है ना। आइए लाडले सुंदर साहब जी, धामधनी का शुक्राना बजाते हुए एक भजन रखते हैं। इश्क के सागर है मेरे खसम, इश्क के सागर है मेरे खसम, करते पिया तुम, करते पिया तुम करम पर करम हो। इश्क के सागर है मेरे खसम, इश्क के सागर है मेरे खसम, करते पिया तुम
कसम, इश्क के सागर है मेरे खसम। पिया तुम हो सागर, लहरें हम तुम्हारी। पिया तुम हो सागर, लहरें हम तुम्हारी। ना जाए सही अब ये दूरी तुम्हारी, ना जाए सही अब ये दूरी तुम्हारी। कर दो पिया तुम, कर दो पिया तुम, खेल ये खत्म हो इश्क के सागर है मेरे खसम, इश्क के सागर है मेरे खसम। करते पिया तुम, करते पिया तुम, करम पे करम हो इश्क के सागर है मेरे खसम, इश्क के सागर है मेरे खसम। अगर आप चाहो तो पल में जगा लो, अगर आप चाहो तो पल में जगा लो। नजर ये हमारी जहां से हटा लो, नजर ये हमारी जहां से हटा लो। अगर आप चाहो तो पल में जगा लो, नजर ये हमारी जहां से हटा लो। नजर ये हमारी जहां से हटा लो। ना लो अब हुक्म का, ना लो अब हुक्म का बहाना खसम हो इश्क के सागर है मेरे खसम, इश्क के सागर है मेरे खसम। करते पिया तुम, करते पिया तुम, करम पे करम हो इश्क के सागर है मेरे खसम, इश्क के सागर है मेरे खसम। कैसी हुई पिया हालत हमारी, कैसी हुई पिया हालत हमारी। बढ़ती ही जाए ये बेकरारी, बढ़ती ही जाए ये बेकरारी। कैसी हुई ये हालत हमारी, बढ़ती ही जाए ये बेकरारी। रहेगी ये जब तक, रहेगी ये जब तक, मिलेंगे ना हम हो इश्क के सागर है
मेरे खसम, इश्क के सागर हैं मेरे खसम। करते पिया तुम, करते पिया तुम करम पे करम, हो इश्क के सागर हैं मेरे खसम, इश्क के सागर हैं मेरे खसम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कोई जो कदर जाने मेरी, अंदर आनु वतन, अनेक विध सेवा उपजाऊं, धनी न्यारे ना होवे खिन्न, धनी न्यारे ना होवे खिन्न। बुरी करी तुम भरम भ्रांतड़ी, यो न करे दूजा कोई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महानतम बुद्धि के सागर आप महामति अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदी के अंदर हम समस्त सुंदर साथ को अपने इन गुणों को मोड़ने की बात सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें गुणों को मोड़ना है। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म कल हमें समझा रही थी कि मन को कैसे मोड़ा है ना, किस प्रकार से मन को चरणों में लगाया। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, हम कल सुन रहे थे कि जब तक हमारा मन धनी के चरणों में एकाग्रता नहीं करता, एकाग्र नहीं होता, तो तब तक हम चितवनी कैसे करें, है ना। हम वाणी का प्रकरण पढ़ जाए और मन बाहर घूमता रहे, है ना, तो हमें पता ही नहीं कि वाणी के प्रकरण में हमने क्या पढ़ा। क्यों? क्योंकि सारा काम तो मन का था ना, और वो मन ही वहां मौजूद नहीं है तो फिर कैसे संभव हो। क्योंकि ये सारी दौलत जो है ना, ये मन की एकाग्रता से प्राप्त होती है। लाडले सुंदर साथ जी, जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता, तब तक हम धाम धनी जी के श्री चरण कमलों में ना तो अपनी सुरता को जोड़ सकते हैं, ना श्री राजजी महाराज के स्वरूप की शोभा की श्रृंगार की चितवनी कर सकते हैं, और ना ही हम परम धाम के 25 पक्षों में घूम सकते हैं, है ना। तो कल हमें सिरजी साहेब जी मन की बात बता रहे थे, और हमने कल सुना था कि मन ने कहा कोई जो कदर जाने मेरी, मन ने भी कल अच्छा सा जवाब दिया था। मन कहता है अगर कोई मेरी कदर कर ले ना, मुझे समझ ले कि मैं क्या चीज हूं, तो अंग अंदर आनु वतन, तो आत्मा परम धाम ला के दे दूं, कोई मुझे समझ ले। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, जब हम चितवनी करने के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे, तो 10 मिनट के लिए तो हम अपने मन को देखें कि हमारा मन क्या धनी जी के चरणों में एकाग्र हो चुका है। जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ, तब तक धनी के चरण कमल हृदय में नहीं आएंगे। हर सांस के साथ हम लंबी लंबी सांसें लें और छोड़ें, लें और छोड़ें, फिर एकदम एकाग्र होके बिल्कुल शांत होके और फिर धाम धनी जी के चरणों का ध्यान करने लगे, तो उस समय के अंदर मन को साथ लेके चले। क्योंकि ये मन कहता है मुझे तो खूबसूरत चीज का पीछा करने की आदत है। ए जीव आत्मा, तू मुझे कोई भी खूबसूरत चीज दिखा दे तो मैं तो उस खूबसूरत चीज के पीछे दौड़ूंगा। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा कि ए मन, तुझे दौड़ना ही है तो मेरा परम धाम
पचास करोड़ योजन जिमी परम नाम के 25 पक्ष जिनकी खूबसूरती का वर्णन इस संसार के अंदर किया ही नहीं जा सकता कि वो कितना सुंदर परम धाम है। तुझे खूबसूरत चीज चाहिए, तू हर खूबसूरत चीज का पीछा करता है, आ मेरे पास, मैं तुझे इस ब्रह्मांड में बैठे बैठे ऐसे खूबसूरत मेरे वाला जी दिखाती हूँ, ऐसी खूबसूरत मेरी श्यामा जी महारानी दिखाती हूँ, जिनकी खूबसूरती को, जिनकी सुंदरता को, जिनकी शोभा को, जिनके श्रृंगार को ए मन तू एक बार देख लेगा ना, तो संसार के अंदर कोई भी चीज तुझे खूबसूरत नहीं लगेगी। सही बात है ना सुंदर साहब जी, क्या कोई चीज खूबसूरत होगी जब मन ने श्री श्यामा जी महारानी जी के चरण कमलों को अगर देख लिया। और श्यामा जी महारानी के स्वरूप को देख लिया, उनकी शोभा को देख लिया, उनके श्रृंगार को देख लिया, उनकी एक मुस्कुराहट को देख लिया। अगर श्यामा जी महारानी को मुस्कुराते हुए ए मन तू देख लेगा ना, तो तू इस दुनिया के अंदर कभी किसी को देखना पसंद भी नहीं करेगा, क्योंकि वो श्यामा जी महारानी इतनी सुंदर जो श्यामा जी महारानी के लिए कहा, अर्श की रानी पियाजी की मलिका, अर्श की रानी पियाजी की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, अर्श की रानी पियाजी की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, ना हम होश में है ना दिल होश में है, नजर का उठाना गजब हो गया, ना हम होश में है ना दिल होश में है, घूंघट का उठाना गजब हो गया, अर्श की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। एक बार मन तो देख तो सही मेरी प्यारी प्यारी श्यामा जी महारानी को, मेरे पिया जी की अलादनी शक्ति को, मेरे वाला जी का जो आनंद का स्वरूप है, और मेरे वाला जी के हृदय का आनंद का जो भंडार है मेरी श्यामा जी महारानी, एक बार मन तू अगर चला गया ना श्यामा जी के चरणों में, एक बार उनके स्वरूप को तूने अगर देख लिया, जिनके चरण कमलों के लिए कहा, चित खेंच लिया इन चरणों मोहे सब विद करी धन धन, क्यों कहूँ सिफत इन जुबा मेरे जीव के यही जीवन। एक बार श्यामा जी के चरणों को देख, एक बार श्री राजी महाराज के चरण कमलों को देख, ए मन तू उनकी शोभा को देख तो सही। तू कहता है ना कि मैं हर खूबसूरत चीज का पीछा करता हूँ, है ना, मन को कोई भी संसार की खूबसूरत चीज दिख जाए सही तो मन जिद ठान लेता है कि मुझे यही लेनी है, मुझे उसी चीज को देखना है, जो मन को चीज पसंद आ जाए ना फिर मन उसका पीछा नहीं छोड़ता। पर मन ने कहा
कि ए जीव आत्मा, ए श्री इंद्रावती जी की आत्मा, मैं क्या करूं, आपने मुझे दिखाया ही नहीं धामधनी, मुझे धामधनी दिखाओ तो मैं धामधनी को देखूं। कल हम सुन रहे थे कि जो लोग जीव जागे नहीं तो लोग कहा करें हम। मन ने कहा था कि जब तक आत्मा जागृत ना हो और आत्मा जागृत होके मुझे धाम धनी का दर्शन ना कराए, है ना, मुझे धनी जी का दीदार ना कराए, तो मैं क्या करूं, मैं तो फिर संसार में भटकूंगा ना। ये बात किस पे लागू होती है, हम समझ सुंदर साथ पे। हमारा मन माया में क्यों भटकता है। मुझसे कुछ सुंदर साथ पूछ रहे थे कि शारदा दीदी, हमारा मन राज्य के चरणों में क्यों नहीं लगता, जब दामदनी जी के चरणों में बैठते हैं तो ये मन दामदनी जी के चरणों में तो लगता नहीं है और ये मन भटकता रहता है माया के अंदर, आगे पीछे कम भटकता है और जब धनी जी के चरणों में बैठ जाते हैं ना तो ज्यादा भटकता है। कल सुंदर साथ ने मैसेज किए थे, तो लाडले सुंदर साथ जी, मैं पहले भी आपसे प्रार्थना कर चुकी हूं कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्यारी होती है, क्या उस चीज से हमारा मन कभी भटकता है। आप एक नोटों की गट्टी गिनना शुरू करो, ठीक है, और गिनती स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। कितना भी टीवी कोई चला के बैठा हो, कोई मोबाइल चला के बैठा हो, बच्चे शोर कर रहे हो, घर में हल्ला मच रहा हो, तो क्या वो जो आप 10,000 या 20,000 या 50,000 नोटों की गिनती बैठ के कर रहे हो, क्या उन नोटों की गिनती करते हुए नोट गिनने वाले से पूछो, क्या कभी गलत नोट गिन के वो किसी को देते हैं, कितने शोर में नोट गिन के देते हैं, तब भी क्या गलत नोट गिन के देते हैं। क्योंकि जब नोट को गिनने लगते हैं तो हमारी एकाग्रता होती है बिल्कुल। अच्छा, एकाग्रता क्यों है नोट को गिनते हुए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर पैसा हमारी जान है, हमें पैसा सबसे ज्यादा प्यारा है कि कहीं एक नोट किसी के पास फालतू ना चला जाए, ज्यादा ना चला जाए और गिनते हुए कहीं गिनती गलत ना हो जाए। तो इतने शोर के अंदर हम 50-10,000 की गट्टे को गिनते हुए गलती गलत हमसे गलती नहीं होती, है ना, है ना, इतनी एकाग्रता बन जाती है हमारे अंदर, बिल्कुल मन इतना एकाग्र हो जाता है, इतना खो जाता है उन नोटों के अंदर कि नोट गिनते गलती नहीं हो रही, है ना। और तारतम की माला करते हुए, निज नाम का पाठ करते हुए, धनी जी की वाणी पढ़ते हुए एकाग्रता क्यों नहीं बन रही। तो धनी जी कहते हैं प्यार नहीं है। जिस चीज के साथ प्यार होता है ना, बहुत छोटी छोटी बातों के एग्जाम्पल देने नहीं चाहिए पर देख के समझा रही हूं। सतगुरु जी हृदय में विराजमान है, बच्चों की तरह वाणी चर्चा सुनाते हैं, जैसे बच्चे को समझाना होता है। विचार कीजिए, हम खाली स्लैब के ऊपर खड़े होके दूध को उबाला दिलाते हैं, दूध को उबाला दिलाते हुए हम एक दूध की एक बूंद भी क्या नीचे गिरने देते हैं। क्यों? क्योंकि दूध हमें बहुत प्यारा है। दूध को उबाला दिलाते हुए हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता। और जब हम सब्जी बना रहे होते हैं तो सब्जी बनाते हुए कभी हमारा ध्यान भटकता है, कभी हमने 2 या 3 बार नमक डाला सब्जी में, कभी 3-4 बार मिर्च डाली सब्जी में, कभी 4 गुना घी डाला हमने सब्जी में, कभी हमने 4 गुना पानी डाला सब्जी में। क्यों? हम तो बातों की तरह बात कर रहे हैं, समझ सुंदर साथ से, मन की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हमने 4 गुना सब्जी में पानी डाला, तब हमारा मन एकाग्र था। क्यों नहीं हमने 2 बार नमक डाला सब्जी में, क्योंकि उस सब्जी के साथ भी हमारी बड़ी अटैचमेंट है कि सब्जी बहुत टेस्टी बननी चाहिए। हमने सोच के सब्जी के अंदर सारा सब कुछ डाला, सोच के, विचार के, विवेक के साथ। और जब सब्जी का मसाला भून रहे होते हैं बड़ी एकाग्रता के साथ, ना उसको कभी जलने देते हैं, कभी नहीं जलने देते, ना कच्चा रहने देते हैं ना जलने देते हैं,
क्योंकि हम एकाग्र चित्त होके भोजन बनाते हैं, हमारी रोटी भी नहीं जलती, हम इतनी स्पीड से रोटियां बना रहे होते हैं, इधर रोटी हमारी चकले पे भी बेली जाती है, तवे पे भी रोटी चल रही है, हमने हाथ से पेड़ा भी बना लिया, हम साथ में सब्जी डाल के भी दे रहे हैं, सप्लाई भी कर रहे हैं, तब भी हमारी रोटी तवे पे नहीं जल रही, तब भी हमारी इधर तवा नहीं जल रहा। क्यों? हम इतना फास्ट करते हुए भी हमारी एकाग्रता रोटी की तरफ भी है, सब्जी की तरफ है, सब्जी को जलने नहीं दिया, रोटी को जलने नहीं दिया। एक रोटी का पेड़ा हम खराब नहीं करते, एक रोटी का आटा खराब नहीं करते। जल जाए तो कितना दुख लगता है कि अरे रोटी जल गई, एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान इधर हो गया था। पहली बात तो कभी जलने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम सारे काम एकाग्रता के साथ करते हैं, रसोई का हर काम एकाग्रता के साथ करते हैं, जितने भी माया के काम हैं सारे के सारे काम बहुत एकाग्रता के साथ करते हैं। लेकिन जब हम धनी जी के चरणों में बैठते हैं ना, तो धनी जी के चरणों में मन क्यों भटकता है? क्योंकि धनी जी के साथ एकाग्रता क्यों नहीं बन रही? क्योंकि धनी जी के साथ उतना प्यार नहीं बन रहा अभी तक। जब धनी जी से प्यार हो जाएगा ना लाडले सुंदर साथ जी, तो मन को हटाने से भी मन हटेगा नहीं। क्योंकि मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है कि जो लोग जीव जागे नहीं तो लोग कहा करें हम? जब तक जीव आत्मा जागृत नहीं होती तो मैं क्या करूं? जोर हमारा तभी चले जब जाग बैठो तुम। मन कहते हैं मेरा जोर तो तब चलेगा ना जब आप जाग रहे होगे। अब आप नहीं जाग रहे तो मैं क्या करूं भाई? हैं, आप ही नींद में हो फिर मैं चला जाता हूं, मैं तो घूमने चला जाता हूं। कि जब आत्मा ही जागृत नहीं है, वो मुझे कुछ दिखा ही नहीं रही, धनी जी के चरणों में आके बैठी है और आके बैठने के बाद कुछ दिखा ही नहीं रही और मेरे साथ घूम रही है। मन के साथ हम भी निकल जाते हैं, मन के साथ साथ हम भी घूमने लग जाते हैं, जबकि हमको मन को कहाँ बैठाना है? हमें मन को कहना है मेरे मन बैठ जरा श्री राज जी के चरणों में, मेरे मन बैठ जरा श्री राज जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा श्री राज जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा श्री राज जी के चरणों में। ये जग सपना है कोई नहीं अपना है, ये जग सपना है कोई नहीं अपना है, मेरे मन बैठ जरा ओ मेरे मन बैठ जरा श्री राज जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा श्री राज जी के चरणों में। हमें लगाना होगा कि मेरे मन बैठ जरा, क्योंकि मन कहते हैं जोर हमारा तभी चले जब जाग बैठो तुम। आप जागृत होके नहीं बैठते हो ना, मेरा जोर तो तभी चलेगा जब आप जागृत होके बैठो, है ना। तो मन ने कल कहा था कि कोई जो कदर जाने मेरी अंग अंदर आनु वतन, अगर मेरी कदर जान लो ना तो मैं अखंड परम धाम आपके हृदय में लाके दे दूं, अनेक विध सेवा उपजाऊं। फिर खाली परम धाम के 25 पक्ष लाके ही नहीं दूंगा, फिर अनेकों प्रकार की सेवा अपने प्रीतम को रिझाने के लिए, धनी को रिझाने के लिए आपके हृदय के अंदर प्रकट कर दूंगा। पहले मुझे धाम धनी दिखाओ तो सही, मुझे परम धाम दिखाओ तो सही। कहाँ है परम धाम? कैसे हैं राजश्यामा जी? अगर आपने मुझे एक बार राजश्यामा जी दिखा दिए,
उनके स्वरूप को, उनकी शोभा को, उनके श्रृंगार को अगर मुझे एक बार आपने दिखा दिया ना, तो मन कहता है धनी न्यारे ना हो मैं खिन, फिर मैं धनी को एक पल के लिए भी अलग नहीं होने दूंगा, फिर तो मैं दौड़ दौड़ के जाऊंगा कि धाम धनी के चरणों के बिना मेरा मन ही नहीं लगेगा। फिर तो मन कहता है मैं जुड़ जाऊंगा किनके चरणों में, धाम धनी जी के श्री चरणों में मैं इस तरह से जुड़ जाऊंगा। फिर मैं कहूंगा कि भाई यहां क्यों बैठे हो, चलो धनी जी के चरणों में बैठते हैं। अरे घर में क्या करना है बैठ के, मंदिर में 5 अखंड पारायण रखे हैं, चलो अपने मंदिर में पारायण पढ़ने के लिए चलते हैं। घर में सारा दिन क्या करेंगे, वहां धाम धनी की सेवा करेंगे, सुंदर साथ की सेवा करेंगे, वाणी पढ़ेंगे, भजन कीर्तन मेहर सागर का आनंद लेंगे। मन यहाँ क्यों बैठा है, चल मन मंदिर में चलते हैं। मन खुद कहेगा कि तू बैठेगी भी सही ना, तो मैं तुझे घर में रहने नहीं दूंगा। और सुंदर सा जी ये सच है, जब आत्मा जागृत हो जाती है ना, मंदिर में टाइम दिया हो 10 बजे का और घर से मन 9 बजे कहना शुरू कर देता है चले ना मंदिर, सच कह रही हूँ, प्रैक्टिकल में आपको बता रही हूँ। 10 से 4 बजे का समय दिया सुंदर साथ को कि 10 से 4 बजे के बीच में अपने वाणी पढ़ेंगे, पर मन प्रातःकाल 9 बजे कहना शुरू कर देता है कोई बात नहीं, 10:30 बजे आएंगे कोई बात नहीं, अपने चलते हैं ना 9 बजे, अपने को क्या करना है, अपने अभी चलते हैं। वो मन घर में नहीं टिकता, कब नहीं टिकेगा, जब हमारी आत्मा जागृत होके और मन को वो आनंद देना शुरू कर देगी, मन को वो खुशियां, वो इश्क, वो रस, वो प्रेम, वो स्वाद जब मन को आने लग जाएगा ना सुंदर साथ जी, मन घर पे धनी के बिना और सुंदर साथ के बिना फिर लगता ही नहीं है। फिर तो मन करता है कि बस या तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम हो, श्री गुम्मट जी हो, श्री बंगला जी हो, और वहां जाके धनी जी के चरण कमलों में बैठ जाएं, या चोपड़ा मंदिर में जाके बैठ जाएं। आत्मा तड़फने लगती है अपने धाम धनी के लिए, एक जागृत आत्मा हर पल हर घड़ी तड़फेगी और मन लगता नहीं है घर में बैठ के। अब मन कहता है मुझे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जाना है, क्योंकि जब आत्मा जागृत हो गई, आत्मा ने जागृत होके मन को सब कुछ दिखा दिया, अब मन ना तो दुनिया की बातों में लगता है और ना संसार के अंदर लगता है, अब मन तो 24 घंटे कहता है मुझे तो धाम के धनी चाहिए, सुंदर साथ चाहिए, वाणी चर्चा चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है, आइए हम आज यहीं पे चौपाई दोहराते हैं। धनी न्यारे ना हो में खिन्न, कोई जो कदर जाने मेरी अंग अंदर आनो वतन, अनेक विध सेवा उपजाऊं धनी न्यारे ना हो में खिन्न, धनी न्यारे ना हो में खिन्न। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आपको ये बात सही लगी कि नहीं, कि हमारी आत्मा जागृत हो जाए तो मन फिर लगता ही नहीं घर में, सही है कि नहीं है, ठीक बात है ना। मुझे सारे सुंदर साथ जवाब देना, कमेंट करके बताना कि क्या ये बात सच नहीं है कि जो आत्मा जागृत हो जाती है और जागृत होने के बाद जागी हुई आत्म का दिल इस संसार के अंदर नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, है ना। एक बात बोलूं दी प्रणाम? हाँ जी। फिर दिल क्या कहता मालूम है? हाँ जी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, क्या बात है ज्योति बहन, नहीं दिल कहीं बिन आपके।
जिए कैसे बिन आपके। ये हमारे जूम आप के वाला गाना गाओगे? ये हमारे जूम के सुंदर साथ हैं लाडले सुंदर साथ जी इधर, क्योंकि इधर भी सभी सुंदर साथ सुन रहे हैं। हमारी ज्योति बहन आप गा रहे हो जी? जी जी है ना। तो ज्योति बहन मैं तो अभी भी ये कहने लगी थी, जीना लगे बिन तेरे यारा मैं क्या करूं मैं क्या करूं, हमारा दिल लगता ही नहीं क्योंकि हमारे यार। आप ये वाला गाना गाओगे? आपने सोचा था क्या? जरूर गाओगे। जिए तो जिए कैसे बिना आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब समय हो चुका था ना, तो इसीलिए है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये जागृत आत्माओं के लक्षण है, उनका मन संसार के अंदर फिर लगता ही नहीं है और लगना भी नहीं चाहिए, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।